अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरवाफिये से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त फैजान शाकिर, और आप देख रहे हैं जनाबे वाला मेरा यूट्यूब चैनल देसी टेक एक्सप्लोरर। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप सब दोस्तों के लिए कोई अच्छी से अच्छी स्किल लेकर आऊँ, कोई ऐसा प्लेटफार्म लेकर आऊँ या कोई ऐसा मेथड लेकर आऊँ जिसके ज़रिए से सभी मेरी बहनें, मेरे दोस्त जितने भी हैं, वो इजी तरीके से, एक आसान तरीके से, विदाउट इन्वेस्टमेंट अपनी ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मेथड शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी शॉर्ट स्किल है जिसको आप प्रॉपर सीख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, 100% श्योरिटी है कि आज से ही आप इस स्किल को सीख कर और आज से ही अपनी ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो में आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि लोग ज़्यादा भागते हैं एप्लीकेशंस के पीछे, तो दोस्तों, लेकिन ये भी ठीक है कि आपको एप्लीकेशंस के ऊपर भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको कोई अच्छी स्किल भी सीखनी चाहिए। मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोई स्किल सीखें, कोई अच्छी स्किल सीखें, बड़ी स्किल ना सीखें, आप कोई शॉर्ट स्किल सीख लें, ठीक है। जैसे मैं अपने चैनल पर हमेशा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट स्किल लेकर आता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि सारी स्किल जितनी भी मेरे इस चैनल पर अपलोड हैं सबकी सब विदाउट इन्वेस्टमेंट है। और मजे की बात, ये सारी स्किल्स आप अपने इसी मोबाइल के ऊपर सीख सकते हैं और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। और आज जो आपके साथ मैं स्किल शेयर करने जा रहा हूँ ये भी विदाउट इन्वेस्टमेंट है। जिस मोबाइल से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं इसी के ऊपर ये सारी आप स्किल सीख के और इसी के ऊपर आप अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर्स भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई मेंबर ऐड नहीं करवाने, किसी के तरले नहीं करने, ठीक है। कोई एडुकेशन, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अगर सारा का सारा काम फ्री है। अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है तो फिर भी ये आप सारा काम कर सकते हैं। बस दो शर्तें हैं, आपके पास पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और मोबाइल और इंटरनेट, अपनी दोनों पुरानी बातें। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आज की ये सारी प्रॉपर स्किल्स को सीख लेते हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे इस बेल के आइकन को लाजमी और लाजमी प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप भी विदाउट इन्वेस्टमेंट अपनी ऑनलाइन अर्निंग को आज से ही स्टार्ट कर सकें। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और इस सारी प्रॉपर स्किल को ए टू जेड सीख लेते हैं। जी दोस्तों, मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, कंप्लीट ए टू जेड डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने कंप्लीट प्रॉपर वीडियो को वॉच करना है और उसके बाद प्रॉपर मेथड के ऊपर आपने कंप्लीट इंप्लीमेंट भी करना है। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आज ही इस काम को सीख कर और आज से ही आप अपना काम स्टार्ट करके और आज से ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक की हुक्म से आप आज से ही अर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, ये सारा काम ऐसे ही बिल्कुल आप अपने पीसी और लैपटॉप से करेंगे और यही सारा काम आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल या किसी भी मोबाइल के ज़रिए करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च बार में हमने लिखना है जी नराकीत। स्पेलिंग देख लें, बिल्कुल आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपको मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कौन सी ये वेबसाइट है। पहले आप स्पेलिंग देख लें नराकीत, ठीक है, और ये वाली वेबसाइट है, इसका आप लोगो बहुत ध्यान से आपने देखना है, ठीक है, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद बेसिकली ये वेबसाइट काम क्या करती है, सबसे पहले मैं आपको वो कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि एक प्रोफेशनली एआई टूल है जिसकी मदद से हम अपनी कोई भी वॉइस को एडिट कर सकते हैं या कोई भी स्क्रिप्ट हो उसको हम यहाँ पर पेश करके या हम उसको स्क्रिप्ट को यहाँ पर इनको दे के हम इजीली से जस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट और जस्ट वन क्लिक से अपनी वॉइस को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। चले, मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट जो इससे अगली वेबसाइट होगी उस इससे हम वॉइस जो है जनरेट करेंगे और नेक्स्ट में हम एनिमेशन जनरेट करेंगे। लिहाजा आज की हमारी वीडियो होने वाली है एनिमेशन के ऊपर, ठीक है। आपने एनिमेशन का नाम लाजमी सुना होगा और साथ में ये भी सुना होगा कि लाखों करोड़ों जो है ना वो लोग एनिमेशन के ज़रिए से कमा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपका भाई हाज़िर है आपको बताने के लिए। मेथड मैं बता दूंगा, काम आपने करना है, ठीक है, लेकिन वो दोस्त आपको बताते नहीं है, जस्ट आपको अर्निंग के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि हमने भाई इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, ठीक है, लेकिन मदद किसी की कोई नहीं करता। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने बहुत से ध्यान से गौर से सीख लेनी है। सबसे पहले जो है वो आपको आता है जी
टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं, ये जो वर्ड है ठीक है, इसका मतलब है कि आपने इनको टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें, इनको आपने स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी है और इसको ये एक ऑडियो में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है, स्पीच में, ऑडियो स्पीच में ये कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरा है जी वीडियो फ्रॉम ए प्रेजेंटेशन ठीक है, इनको आपने वीडियो प्रोवाइड करनी है, ये उसको प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से AI टूल की मदद से उसको उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो क्लियर करके उसको एक प्रोफेशनल अंदाज में बना देंगे। लेकिन हमारा तल्लक है इस टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो को, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा कि आपके पास एक ऐसी विंडो शो होगी और नेक्स्ट हमारी विंडो यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। अब वो कहते हैं कि जो आपकी स्क्रिप्ट होगी ठीक है, जो आपका टेक्स्ट होगा जिससे आप वॉइस बनाना चाहते हैं वो कौन सी फाइल में होगी, अगर वो MS वर्ड में होगी, डॉक्स में होगी, MS एक्सेल में होगी, PDF में होगी, RDF में होगी, ODS में होगी, किसी भी फाइल में होगी, वो उसको आप यहाँ से इस जो है ना वो स्क्रिप्ट में यहाँ पर आपने उसको पेस्ट करना है। लेकिन सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर स्क्रिप्ट है, मैंने एक फॉर एग्जांपल के तौर पर एक डमी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी है जल्दी जल्दी से 1 से 2 मिनट में आपको समझाने के लिए ठीक है, बाकी बात आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो स्क्रिप्ट है वो उर्दू में है, आपके पास स्क्रिप्ट इंग्लिश में होगी, फारसी में होगी, उर्दू में होगी, अब मुझे तो नहीं ना पता, वो उस हिसाब से आपसे सेलेक्ट कर लेना। लेकिन मेरे पास उर्दू में है तो उर्दू में कैसे सेलेक्ट करनी है वो जनाब को मैं बता देता हूं। आपने लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे चले जाना है ठीक है। तो ये हमारी उर्दू आ गई, अब उर्दू जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके आगे भी आपको उसके वॉइस आर्टिस्ट आ जाएंगे, इंग्लिश करेंगे तो उसके अलग आएंगे, अरबी करेंगे तो उसको अलग आएंगे ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उर्दू के ऊपर क्लिक किया तो वॉइस आर्टिस्ट मेरे पास आ रहे हैं, इमरान आ रहे हैं, मावरा आ रहे हैं, सनम आ रहे हैं, फहद आ रहे हैं, उसके बाद ये तकरीबन बीटी आ रहे हैं, डिस्टेज आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हैं जो आपकी वॉइस को बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से जनरेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के तौर पर डमी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हम इतनी प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे, बस मैं आपको बनाकर दिखा दूँगा ठीक है, बाकी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो हम यहाँ से इमरान को ही रहने देते हैं और बात आती है स्क्रिप्ट कहाँ से लेनी है ठीक है। और नेक्स्ट हमने सारा कुछ एक जो है ना वो स्टेप वाइज होगा, तो स्टेप वाइज आपने समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम एनिमेशन की वीडियो बनाया करेंगे तो उसकी स्क्रिप्ट कहाँ से लिखेंगे। देखें दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं ठीक है, जैसे कि हमारी फूड की कैटेगरी है, हेल्थ की कैटेगरी है, फन की कैटेगरी है और मुख्तलिफ ऐसी कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर साइंस की आप समझदार हैं, बाकी हेल्थ की कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा कैटेगरी है। लिहाजा मैं आज आपको एक शॉर्ट सा बताने जा रहा हूँ कि हम फनी कैटेगरी में कैसे अपनी छोटी सी स्क्रिप्ट को लेके इसको कैसे एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और कैसे इससे हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, सारा कुछ प्रूफ से बताऊँगा ठीक है। और सारा कुछ प्रूफ भी आपको दिखाऊँगा, अर्निंग के भी प्रूफ दिखा दूँगा ठीक है। और क्या चाहिए आपको, चले सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए स्क्रिप्ट लेने के लिए, आपने आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, किसी चीज़ के झंझट में नहीं आपने पढ़ना, आपने यहाँ पर सर्च करना है जी पिंट्रस्ट, आपको मिल जाएगी पिंट्रस्ट ठीक है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने आ जाएगी। ये पिंट्रस्ट अमूमन हर बंदे के पास होती है ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपने सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च बार में लिखना है जी मेरा जो मेरी कैटेगरी है ठीक है, मैं उसके हिसाब से यहाँ पर लिखूँगा फ़नी एनिमेशन स्क्रिप्ट उर्दू ठीक है। तो मेरे पास देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट आ गई हैं, ये खान मौलवी की आ गई है ठीक है, यहाँ पर ये टीचर स्कूल की आ गई है। तो ये स्क्रिप्ट आपने बस लिखनी है, बस इतना सा आपका काम है, वीडियो आपने नहीं बनानी, वॉइस ओवर आपने नहीं करना, सारा काम AI ने करना है, बस आपने स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट भी कोई बड़ी नहीं लिखनी, आपने एक स्क्रिप्ट यहाँ से ये ले लेनी है, एक स्क्रिप्ट यहाँ से ये ले लेनी है, इसको आपने नोट पैड के ऊपर लिखना है ठीक है। और उसको आपने वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर आपने नहीं करना, आपने AI टूल से करवाना है। अब जल्दी से मैंने एक यहाँ से लिखी थी, मैं आपको दिखा दूँ फॉर डमी ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, ऐसे ही आपने लिखनी है, एक लाइन लिखकर आपने थोड़े से डॉट लगाने हैं ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से वो रुक रुक के पढ़े ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ठीक है, बिना वक्त को ज़ाया किए काफ़ी टाइम हो गया, कॉपी करके और आ जाते हैं उसी प्लेटफार्म के अंदर, उसी अपनी वेबसाइट के अंदर ठीक है। ये लें, ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर हम उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने जस्ट एक लिखी है आपको समझाने के लिए, ऐसे आपने 4 से 5 वहाँ से फ़नी जो है ना वो ले लेने हैं, बाकी बात आप समझ गए होंगे, उसको डाउनलोड करके वहाँ से उनकी जो उर्दू है वो खुद आपने लिखनी है, साथ में डॉट लगा लेके ऐसे आपने 3 से 4 लिख के उनको आपस में
मर्ज करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। उसके बाद आपने यहाँ से जब लिख लें, आपने क्रिएट ऑडियो के ऊपर क्लिक कर लेना। ये आपने अक्सर फेसबुक के ऊपर रील देखी होंगी, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एनिमेशन वीडियो होती है और लाखों में लाइक होते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो होते हैं ये वर्ल्ड वाइड चलती हैं और इनसे जो अर्निंग के सोर्सेज होते हैं ना, बस छोड़ दें आप, ठीक है। आगे बताऊंगा कैस किस तरीके पर अपलोड करनी है, कहां पर अपलोड करनी है, सारा कुछ बताऊंगा। क्रिएट ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है तो ये खुद ब खुद आपके जस्ट वन क्लिक से आपकी ऑडियो जो है वो आपकी सोर्स से तैयार होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ले बातों बातों में हमारी फ़ाइल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चले मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी प्ले करके दिखाता हूँ, ज़्यादा मैं प्ले नहीं करूँगा, जस्ट कॉपीराइट का भी यहाँ से इशू आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी इसको प्ले कर लेंगे, ठीक है। आपने बात सुन ली होगी, ठीक है। ये मैंने जस्ट डमी दिखी है, इसको आप प्रोफेशनल और भी कर सकते हैं, आप इसकी जो है ना वो टेक्स्ट को भी बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर देखता है, ठीक है। मैंने जस्ट अब जैसे ही आपके पास ये इंटरफेस आ जाए आप इसको देख लें, ठीक है, ओके है। आप इसमें अगर कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहे तो बैक आकर आप दोबारा कर सकते हैं, वाइड वॉइस आर्टिस्ट चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये वॉइस आपकी यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर आएगी। आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके जस्ट आपके एक क्लिक के ऊपर आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई है। क्या कुछ मेहनत लगी, ठीक है, जस्ट क्लिक के ऊपर हमारा काम हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है अडोबी। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना तो आज ही इसके ऊपर अडोबी के ऊपर अपना अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाना इतना आसान है कि जस्ट आपने अपना जीमेल अकाउंट लगाना है, साइन इन विद गूगल जीमेल से करना है आपका, जस्ट यहाँ से जस्ट वन क्लिक से आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, मैं यहाँ से थोड़ा सा वेट करूँगा, ठीक है। आपका जस्ट वन क्लिक से जीमेल के अकाउंट के ज़रिए से अकाउंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे अडोबी को, ठीक है, adobe.com आप लिखेंगे गूगल में या जहाँ भी, आपको ये सारा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बात करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर थ्री ये डॉट आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना और आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अडोबी एक्सप्रेस। मैं थोड़ा सा जूम करके आप सब भाइयों को दिखा दूँ, अडोबी एक्सप्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमने बनानी है एनिमेशन वीडियो। किसकी मदद से जनाबे वाला, अडोबी एक्सप्रेस की मदद से। जब AI टूल हमारे पास मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है किसी के तरले करने की, इतनी मेहनत करने की, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर जैसे ही आप अडोबी एक्सप्रेस में आएंगे और जस्ट आप यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर मिलेंगे, जिसमें आप कैप्शन क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम इसे ले सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मुद्दे की बात पर लेकर आता हूँ। हम यहाँ पर करने वाले हैं एनिमेट फ्रॉम ऑडियो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये जो बालू सा बना है, ठीक है। इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक करना है तो हमें एक न्यू विंडो शो होगी, जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि इसके ऊपर आपको कैसा इंटरफेस आएगा। आपके पास एक ऐसी विंडो शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एक एनिमेट वीडियो हमने सेलेक्ट करनी है, कैसे होगी सारा काम बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहले आपने एक बंदा लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ये देखें मैं इसको थोड़ा सा सामने लेकर आता हूँ, ये देखें छोटा बड़ा हो रहा है। इसके आपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसको जनाबे वाला यहाँ से सेट कर लेना है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और जूम आउट करके इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी आप शेप चेंज कर सकते हैं, ले जी ये आ गया, ये आ गया। मैं सिंपल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अब करेक्टर में आपने यहाँ से ओपन करना है और आपकी जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आपने करना है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक डमी बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करेक्टर में क्रिएटर्स ही सर्च कर लूँगा, उसके बाद बैकग्राउंड आ जाता है। नेक्स्ट ये वाला जो टैब है, यहाँ पर बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड जनाबे वाला आप अपलोड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एनिमेशन। ये किसी वेबसाइट में ये ऑफ़र नहीं होती, ये आपको ये भी ऑफ़र करवाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड उसमें एनिमेशन कर लें, तो और भाईजान क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से एक डमी सा आपको बैकग्राउंड भी ले देता हूँ, ठीक है। ये ला जी, या कोई और बैकग्राउंड यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे जिसमें हम अपनी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। या कोई ऐसा ही बैकग्राउंड मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं आप जस्ट समझाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज़। तो साइज़ को मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपने ये वाला भी नहीं रखना, ये वाला आपने ये वाला साइज़ रखना है 197x1। इसमें क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, सारा कुछ आगे जाके बताता हूँ।
और यहाँ पर आपने इसको करके उसके बाद वो कहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल में है मतलब गैलरी में है तो आप इसको ब्राउज के ज़रिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ से गैलरी के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से अपलोड कर दूँगा। ले जी, फ़ाइल के ऊपर मैंने अपलोड करके इसको जो ऑडियो थी अपनी जो वहाँ से हमने डाउनलोड की थी कैपिटल दूसरे नाराकीत से, वो हमने यहाँ पर उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा आपने मोबाइल पर आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो ये तकरीबन को 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी वीडियो जो है वो एनिमेशन में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगी, 1 से 2 मिनट 3 मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल पहले से ही एक एनिमेशन वीडियो यहाँ से क्रिएट करके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डमी के तौर पर कैसे आपको यहाँ पर वीडियो दिखेगी आपकी बनी हुई। ले जनाब, कुछ ऐसी वीडियो आपकी यहाँ पर बनी होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ। ठीक है, और ये मैंने अभी वीडियो ये बनाई है। ठीक है, इससे पहले मैंने ये एक डमी वीडियो बनाई थी। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से गैलरी में डाउनलोड भी कर लिया था ताकि आपको दिखा सकूँ। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करके आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल ऐसे ही आपके पास आएंगी, लेकिन मैंने तो अभी वॉइस भी उसमें कन्वर्ट की है ना, तो ठीक है आप इसमें अपनी वॉइस भी कर सकते हैं नाराकीत के ज़रिए और यहाँ से इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी एनिमेशन वीडियो आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब नेक्स्ट बारी आती है कि हमें इस वीडियो से अर्निंग कैसे होगी, हम इस वीडियो से से फ़ायदा हासिल करेंगे। तो जनाब अली सारा कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आपने आ जाना है जस्ट यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप जैसे ही आएंगे, आप सर्च बार में यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा 2-4 चैनल दिखाऊंगा जो बिल्कुल इसी तरीके से एनिमेशन वीडियो बनाकर लाखों करोड़ों की अर्निंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मेरे पास वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं 1-2 चैनल एक्सप्लोर कर लेता हूँ, जैसे कि शैरम की स्केच बुक। तो यहाँ पर ये क्या बंदा काम करता है, ठीक है आपको दिखा दूँ। वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, 1.79 मिलियन माशाल्लाह इनके सब्सक्राइबर हैं। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको प्रॉपर मैथड बताया, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। और दोस्तों ये जो स्केच बुक वाली वीडियो होती हैं, एनिमेशन की वीडियो होती हैं, ये जस्ट पाकिस्तान में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएसए यूके अमेरिका में जाती हैं और वहाँ से जो ऑडियंस आती है ना, तोबा तोबा, उनकी जो अर्निंग होती है, चले मैं वो आपको बताता हूँ। बातें बहुत होगी, ऐसे ही आपको एनिमेशन की आपको पता होगा, यूट्यूब के ऊपर हज़ारों चैनल हैं जो ऐसे अर्निंग कर रहे हैं, आपको बच्चे तो हैं नहीं। चले इसकी जल्दी से अर्निंग चेक करते हैं कि ये क्या कोई अर्निंग भी कर रहा है या फजूल में ही अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहा है। चले हम यहाँ पर गूगल के ऊपर आ चुके हैं और हम सोशल ब्लेड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं और जल्दी से इसकी अर्निंग को भी चेक कर लेते हैं। ले जी, सोशल ब्लेड हमारे पास ओपन हो चुका है और हम इसकी अर्निंग को यहाँ से चेक कर लेते हैं। ले सोशल ब्लेड के ऊपर मैंने इसका यूट्यूब के चैनल का लिंक यहाँ से पेस्ट कर दिया है और जस्ट सर्च बार के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, सोशल ब्लेड एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी हम किसी भी वेबसाइट की, किसी यूट्यूब चैनल की हम उसकी रैंकिंग पता कर सकते हैं, उसकी अर्निंग का पता कर सकते हैं, उसकी अर्निंग कितनी है। आप देख सकते हैं कि ये मंथली जो है शहरम की स्केच बुक, ये जो चैनल है ये भी एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं, जो मैंने आपको स्किल सिखाई है, ये इस स्किल से मंथली में $775 से लेके $12,000 चार्ज कर रहे हैं। तो इनको अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें, $775 ज़रब कितने हैं, 286 का लगा ले डॉलर, तो ये 2,21,000 रुपया कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा उतने कितने का, 12 जो है ना वो हज़ार, ठीक है 12,000 ज़रब 286, आप देख सकते हैं कि 34,32,000 रुपया इसी वीडियो से कमा रहे हैं, स्केच बुक से, एनिमेशन वीडियो से, जो मैंने आपको सारी स्किल ए टू जेड सिखा दी है। दोस्तों सच बताना, कसम से कोई मुश्किल है काम इसमें, कोई मुश्किल काम नहीं है, आज से स्टार्ट करें। ठीक है, और अपनी एनिमेशन का यहाँ से चैनल बना लें, चैनल बनाना नहीं आता वो भी सिखा देता हूँ यार, कोई मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन का दौर है, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल लिखें, मुझे गारंटी है, पूरी इत्माद है कि आपका चैनल बना होगा। अगर नहीं बना, सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ चैनल कैसे बनता है, जीमेल अकाउंट बनाएं और क्रिएट ए चैनल के ऊपर क्लिक कर दें। उसकी कैसे आपने प्रोफेशनल करना है, क्या करना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत होगी भाई, किसी बंदे की वीडियो देख लें, सारे भाई पाकिस्तानी हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट निकाल लें अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और यहाँ से उसकी मुकम्मल सेटिंग कर लें और उसके बाद आज से ही अपना एनिमेशन चैनल स्टार्ट करें और लाखों के मालक बने। ठीक है, उम्मीद है आपको ऐसी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। ऐसी मजीद वीडियो देखने के हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।